दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना प्रोडक्ट्स मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग फ्रंट एंड पे वर्क स्टार्ट करेंगे। सो ये हमारा होम पेज है, ठीक है, और इस होम पेज को आज हम लोग अपने लारावेल ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो सबसे पहला काम क्या है कि हम लोग इस टेम्पलेट को डाउनलोड कर लें। अब आप लोग कहाँ से इसको डाउनलोड करोगे, तो आप लोग इस टेम्पलेट को इस गिटहब अकाउंट से, मतलब मेरे गिटहब अकाउंट से डाउनलोड करोगे और ये वाला जो जिप दे रखा है laravelshop.zip, तो यहाँ पर आपको laravelshop.zip पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो इस आइकन पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको laravelshop.zip नाम का एक फ़ाइल मिलेगा। अब आपको इस जिप फाइल को, देखिए मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है यहाँ पर, देखिए laravelshop.zip। सो इस फोल्डर को आपको क्या करना है, आपको अपने एच डी डॉक्स फोल्डर में जा करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो कुछ इस तरह का फोल्डर आपको दिखेगा, ठीक है, और ब्राउज़र में जा करके आपको क्या लिखना है, लोकल होस्ट लारावेल शॉप, तो आपको कुछ ऐसा पेज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब हमें क्या करना है कि इस फोल्डर के अंदर जाना है। जाने के बाद में यहाँ पर CSS, फॉन्ट्स, इमेजेस और JS, ये चार फोल्डर करने हैं कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद में हम लोगों को आना है अपने प्रोजेक्ट में लारावेल ऑनलाइन शॉप में, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर पब्लिक में आना है। पब्लिक में आने के बाद यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करना है, इस फोल्डर का नाम होगा फ्रंट एसेट्स, ओके, फ्रंट एसेट्स, और इसके अंदर जो हम लोगों ने फोल्डर कॉपी किए हैं उनको यहाँ पर कर देना है पेस्ट, ओके। तो ये चार फोल्डर यहाँ पर जब पेस्ट कर दिए हम लोगों ने, अब हमें क्या करना है, वापस से आना है, एक काम कर लेते हैं, दूसरे टैब में लारावेल शॉप वाला जो हमारा टेम्पलेट है उसको ओपन कर लेते हैं। तो लारावेल शॉप ये रहा। अब हमें क्या करना है, हम लोग को इसका इंडेक्स पेज ओपन करना है VS कोड में। तो ये मैं फाइल ओपन कर लेता हूँ VS कोड में, तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ओके। फिर हमें क्या करना है, इसमें दो फाइलें और हैं जिनको हम लोग को ओपन करनी है, इंक्लूड्स के अंदर एक ये हेडर फाइल है और एक ये फूटर फाइल है। तो ये दोनों फाइलें हम लोग को यहाँ से करनी है कॉपी, ड्रैग करनी है सॉरी, और यहाँ पर इसको ओपन कर लेनी है। तो ये रहा हेडर और ये रहा फूटर फाइल, ठीक है। अब हमें वापस से आना है web.php में। पहले तो हम लोग अपना होम पेज देख लेते हैं अपनी एप्लीकेशन में ई कॉमर्स। सो यहाँ पर मैं इतना ये URL हटा देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ लोकल होस्ट 8000। सो ये हम लोगों का लारावेल का डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है, डिफ़ॉल्ट होम पेज है हम लोगों का। इसको चेंज करके हम लोग कुछ इस तरह का लेकर के आएंगे, ठीक है। सो अब क्या करना है, वापस से यहाँ पर आना है होम पेज के लिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, राउट फॉरवर्ड स्लैश और उसके अंदर ये वेलकम व्यू रिटर्न किया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर इसको कर देते हैं कमेंट और हम लोग एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं अपने प्रोजेक्ट को टर्मिनल में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP artisan make controller और इस कंट्रोलर का मैं नाम देता हूँ फ्रंट कंट्रोलर, ओके। सो हमारा फ्रंट कंट्रोलर यहाँ पर बन गया है। अब हम एक काम करेंगे, इस फ्रंट कंट्रोलर को ओपन करेंगे, ठीक है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ, तो मुझे जाना होगा ऐप में और ऐप में HTTP में कंट्रोलर्स के अंदर, ये रहा फ्रंट कंट्रोलर, ओके। अब इस फ्रंट कंट्रोलर के अंदर हम लोग एक व्यू कॉल करेंगे, ठीक है। तो व्यू कॉल करने के लिए पहले तो यहाँ पर हम लोग को एक मेथड बनाना होगा और मेथड बनाने से पहले हम लोग को एक व्यू भी क्रिएट करना होगा। तो एक व्यू भी क्रिएट कर लेते हैं। तो व्यू कहाँ पर क्रिएट करेंगे, रिसोर्सेज में जाएंगे, व्यूज़ में जाएंगे। तो यहाँ पर एक फोल्डर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्रंट, ठीक है। तो हमारे फ्रंट के जितने भी ब्लेड्स होंगे या जितने भी व्यूज़ होंगे वो फ्रंट फोल्डर के अंदर होंगे। तो अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो इस फाइल का मैं नाम दे देता हूँ home.blade.php, ओके। और इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग एक अपना पेरेंट लेआउट भी डिफाइन करेंगे, पेरेंट लेआउट भी सेव करेंगे। तो पेरेंट लेआउट सेव करने के लिए यहाँ पर एक फोल्डर हम लोग और बना लेते हैं फ्रंट के अंदर, इसका मैं नाम दे देता हूँ लेआउट्स, ठीक है, लेआउट्स। और लेआउट्स के अंदर हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा app.blade.php, ओके। तो यह app.blade.php हमारा पेरेंट लेआउट का काम करेगा, ओके। सो
अब हमें क्या करना है, अब हमें आना है वापस से फ्रंट कंट्रोलर में और यहाँ पर हम लोगों को एक मेथड डिफाइन करना है जो कि हमारा होम पेज शो करेगा। सो पब्लिक फंक्शन इंडेक्स और यहाँ पर इस तरह से और रिटर्न व्यू और यहाँ पर फ्रंट डॉट होम, ठीक है, फ्रंट डॉट होम। अब हम लोग एक काम कर लेते हैं, होम ब्लेड में यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H1 के अंदर होम पेज, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, एक हम लोगों को राउट क्रिएट करना पड़ेगा। तो राउट कहाँ क्रिएट करेंगे, राउट्स के अंदर हम लोग एक फाइल है वेब डॉट पी एच पी, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा राउट, फिर यहाँ पर गेट, ठीक है। और गेट के अंदर यहाँ पर हम लोगों को पहले तो यहाँ पर यूआरएल देना है। तो यूआरएल में होम पेज के लिए यहाँ पर क्या लिखना है, फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर इस तरह से फ्रंट कंट्रोलर, ठीक है, फिर कोलन कोलन क्लास। इसके बाद यहाँ पर मेथड का नाम जो कि है इंडेक्स, इंडेक्स, ओके। और इस राउट का मैं नाम लेता हूँ होम, ठीक है, या फ्रंट डॉट होम। सो यहाँ पर हम लोग फ्रंट प्रीफिक्स यूज़ कर लेंगे फ्रंट के कंट्रोलर्स के लिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर वापस से आना होगा और इसको रीलोड करना होगा, ठीक है। तो अब जब इसको रीलोड करेंगे तो ये वेलकम स्क्रीन गायब हो जाएगा, उसकी जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, होम पेज। सो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जब हम लोग फ्रंट पेज की बात कर रहे हैं तो फ्रंट कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड चल रहा है, मतलब ये हिट हो रहा है। और इंडेक्स मेथड में हम लोगों ने क्या किया है, होम वाला ब्लेड कॉल किया है। और होम ब्लेड में क्या है, होम ब्लेड में होम पेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा इतना काम हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले हम लोगों को हेडर वाली फाइल का पूरा कोड कॉपी करना है, ठीक है। और कॉपी कर लेने के बाद होम डॉट ब्लेड में इसको इस तरह से पेस्ट कर देना है, ओके। फिर वापस से आना है इंडेक्स डॉट पी एच पी फाइल में, ठीक है। और यहाँ पर ये जो मेन टैग का जितना भी कोड है हम लोग को इसको करना है कॉपी, कितना कोड, इतना, ठीक है। ये दो लाइनें नई कॉपी करनी है, ठीक है। तो इतना कोड मैंने कर लिया है कॉपी मेन टैग का, और इसको मैं जाऊँगा होम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी फाइल में और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा हेडर के जस्ट बाद। अब हम लोगों को क्या करना है, फूटर का पूरा कोड करना है कॉपी, और इसके बाद होम ब्लेड में मेन टैग के बाद इसको कर देना इस तरह से पेस्ट, ओके। और वापस से जा करके इसको रिफ्रेश करना है। तो अब हमारा होम पेज कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है कि हम लोगों को जो एसेट्स फाइल हैं उसको यहाँ पर उसका यूआरएल करेक्ट करना होगा, ठीक है। ये बाकी ये हटा देते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लारावेल ऑनलाइन शॉप, ओके। और इसके बाद यहाँ पर नीचे आना है, ठीक है। पहले तो ये यूआरएल सही करना है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना है, एसेट, ओके। और हमारे जो एसेट्स हैं मतलब फ्रंट के जो सीएसएस और जीएस फाइल हैं वो किस फोल्डर के अंदर है, फ्रंट एसेट्स के अंदर। तो यहाँ पर क्या लिखना है, फ्रंट एसेट्स, ठीक है। और इसको कर देना है पेस्ट, ओके। फिर इसके बाद इसको कर लेना है इस तरह से कॉपी, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, इसको यहाँ से इस तरह से कट करेंगे और कट कर लेने के बाद में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ओके। फिर आई थिंक इस फाइल का कोई भी ज़रूरत नहीं, इसको हटा देंगे। और यहाँ पर जो ये इतना लिखा हुआ है ये भी हटा देंगे, इसको करेंगे कॉपी, ठीक है। और यहाँ पर पेस्ट करेंगे और सी एस एस स्टाइल जो लिखा था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, सी एस एस फॉरवर्ड स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस, ओके। बाकी ये यूआरएल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो सी एस एस हम लोगों ने यहाँ पर सही कर लिया है। अब नीचे आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जे एस के जो पाथ है इनको भी सही कर देते। तो यहाँ पर क्या लिखना है हम लोग को, एसेट मेथड, और एसेट मेथड के अंदर फ्रंट एसेट्स, और इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब इसको कर लेना है यहाँ से कॉपी पेस्ट, और यहाँ से इसको करना है कट, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। फिर कॉपी कर लेते हैं इसको यहाँ पर इस तरह से, और इसको पेस्ट कर देते हैं, ये कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं,
इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको भी। तो पहला हो गया ये, ठीक है, ये कट कर लिया, ये यहाँ पर पेस्ट कर दिया, फिर इसको कट कर लिया, ठीक है, इसको पेस्ट कर दिया, और इसके बाद js custom.js, तो js custom.js, ठीक है। तो ये अब यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर js के पाथ भी यहाँ पर करेक्ट कर दिए, सही कर दिए। अब हम लोग वापस से जाएंगे यहाँ पर और इसको रीलोड करेंगे। तो अब ये कुछ इस तरह का आ रहा है और यहाँ पर अभी इमेजेस प्रॉपर लोड नहीं हो रही हैं, तो हम लोगों को इमेज के पाथ भी सही करने होंगे। तो वापस से आते हैं, जहाँ जहाँ img टैग है, क्या करना है, जहाँ जहाँ हम लोगों का img टैग है वहाँ पर हमें उसके पाथ को सही करना होगा। तो पहले तो यहाँ पर इसको सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेट ओके, और आई थिंक नीचे मैंने जो यूज़ करा है वहाँ पर कार्सल 2 दिया है, ठीक है, कार्सल 1 m.jpg, कार्सल 1 .jpg, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर ये 1 लिखा है इसको 2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गए URL सही, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे तीसरे स्लाइड के लिए। तो तीसरे स्लाइड के लिए भी इसी तरह से लिखना होगा, यहाँ पर लिखना है हम लोगों को 3। सो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर भी हो जाएगा 3 और यहाँ पर भी हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये भी हटा देते हैं यहाँ से और इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने स्लाइडर के पाथ यहाँ पर सही कर दिए, तो अब स्लाइडर की इमेजेस यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्लाइड, ये सेकेंड स्लाइड, ये थर्ड स्लाइड। अब हम लोगों को इस कैटेगरीज़ की इमेजेस को भी सही करना है, तो नीचे आ जाते हैं यहाँ पर, ये रहे। सो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर आई थिंक मैंने ये इमेजेस cat1.jpg, सो यहाँ पर मैंने सेम इमेज हर जगह यूज़ करी है, तो यहाँ पर मैं सारी इमेजेस 1x1 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोग एक एक करके कर लेना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 1x1 सबको करूँगा तो चेंज करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर सारी इमेजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक सारी इमेजेस यहाँ पर सेलेक्ट हो गई हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और इसको पहले मैं कट कर लेता हूँ। तो मैंने कट कर लिया, फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा एसेट, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा फ्रंट एसेट्स और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो आप इसको रिलोड करेंगे तो यहाँ पर कैटेगरी की इमेजेस देखो सारी आ गई। सो आप लोग 1x1 चेंज कर लेना, ठीक है, मैंने एक साथ रिप्लेस कर दिया है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, आप लोग 1x1 भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेक्शन में इमेजेस आ गई, अब हम लोग को फीचर्ड प्रोडक्ट्स में भी इमेजेस ले करके आनी है। सो यही सेम काम हम लोग वहाँ पर भी करेंगे, कैसे करेंगे। सो यहाँ पर ये रहा इमेज का पाथ जिसको हम लोग को चेंज करना है, तो मैं कंट्रोल डी करके सभी इमेजेस को एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर ली। अब मैं इसको कट कर लूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा एसेट, ठीक है, फिर इसके अंदर मैं लिखूँगा फ्रंट एसेट्स, ठीक है, और इसके अंदर ये पाथ मैं पास कर दूँगा। अब मैं इसको रिलोड करूँगा तो यहाँ पर ये पिक्चर्स सारी की सारी आ चुकी हैं, ओके। सो दोस्तों, हम लोग का होम पेज कन्फिगर हो गया है, ठीक है, और ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अभी मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ड्रॉप डाउन भी ओपन हो रहा है, ठीक है, और सारी चीज़ें चल रही हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने होम पेज को डायनेमिक करेंगे, ओके। सो यहाँ पर ये जो मेन कैटेगरी है ये हमारा यहाँ से आएगा, ठीक है, कैटेगरी मॉड्यूल से। तो जितनी भी ये मेन कैटेगरीज हैं वो आ जाएंगी हमारी यहाँ पर, ठीक है, और इसके अंदर जो ये सब कैटेगरीज आ रही हैं ये सब कैटेगरीज हमारे सब कैटेगरी मॉड्यूल से आएंगी, ओके। और इसके बाद नीचे बात कर लेते हैं ये कैटेगरीज, तो ये कैटेगरीज हमारे आएंगी कैटेगरी मॉड्यूल से। फीचर्ड प्रोडक्ट्स हमारे आएंगे प्रोडक्ट्स मॉड्यूल से। तो मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर ऐड कर लिए हैं, ठीक है, जिससे हमारा लेआउट
प्रॉपर दिखे और हमारी साइट थोड़ी सी अच्छी दिखे। सो ये मैंने प्रोडक्ट्स ऑलरेडी ऐड कर लिए हैं, ठीक है। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।